मेडिटेशन में उतरो, अंतस ध्यान में उतरो, हृदय द्वार पे उतरो, बाहरों में नहा कर देखो, ध्यान में उतरो। वो सितारा है चमकने दो जरा नजरों में, वो एक नूर है चमकने दो जरा नजरों में, क्या गजब मस्ती है, क्या गजब मस्ती है, भीतर में तुम आकर देखो, क्या गजब मस्ती, क्या गजब मस्ती है, भीतर में तुम आकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, डायरेक्ट वॉच करो, डायरेक्ट देखो अपने जीवन को, डायरेक्ट एकमात्र सीधा सीधा, कोई माध्यम नहीं चाहिए। जब सत्संग मिलता है, जागे पुरुष मिलता है, जब दिशा निर्देशन मिलती है, जीवन दिशा मिलती है, तो फिर किताबें नहीं चाहिए, फिर तो नॉलेज का स्रोत, ज्ञान का स्रोत, प्रज्ञावान स्थिति तेरे हाथ लगती है, फिर तेरे भीतर से किताबें निकलती हैं, तेरे भीतर से ग्रंथ निकलता है, तेरे भीतर से शास्त्र निकलता है, तेरे भीतर से वेद निकलता है। जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, ध्यान में उतरो, अंतस ध्यान में उतरो। सत्संग की धारा में बैठ करके वाइब्रेशन से ओत प्रोत इस एटमॉस्फेयर में उतर करके तुम अपने तीसरे नेत्र से जुड़ते चले जाना, तुम शिव नेत्र से जुड़ते चले जाना, तुम बाहर की आंखों से हटते हुए भीतर की आंख में उतरते चले आना, अपनी आंख बनवा लेना। ये ऑपरेशन थिएटर खुला है स्पिरिचुअल, तुम अपनी स्पिरिचुअल आई को जगा लेना और जीवन को सुखित, स्वस्थ, आनंदमय, प्रेममय बना लेना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप भीतर की ओर मूव करते चले जाना, आप भीतर की ओर मुड़ते चले जाना और जाके जाके देखते रहना, लगातार देखने की प्रक्रिया में रहना, देखने के प्रोसेस में रहना। ध्यानस्थ अवस्था में डूबते चले जाना, जाके जाके देखते चले जाना।
मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं, केवल वाच करना, केवल देखना। मेडिटेशन वो इनर टेक्नोलॉजी है जो स्वयं वर्क करती है, उसके लिए कुछ करना नहीं, केवल अपने स्वभाव में रहना, अपनी याद, अपनी स्मृति में, अपनी सुरते में रहना। लगातार देखने वाले होना, मन की गोदी से उठकर के भीतर के आकाश में आना, तमाम स्वतंत्र हो जाना मन से। मन के साथ रहना तो आता ही है, परंतु मन के बिना रहना, मन से हटकर के रहना, ये तेरा एडवेंचर है, ये तेरी एकमात्र हिम्मत है, साहस है, शूरवीरता है, बहादुरी है। मन से हटकर के मन की गति को समझना सुपर साइंस है, स्वयं मन को प्रकाश देने वाला, स्वयं मन को शक्ति ताकत देने वाला, एनर्जी देने वाला, पावर देने वाला, स्वयं मन को अपने सारे के सारे प्रिविलेजेस देकर के गरीबड़ा बन गया है, नौकर मालिक बन गया, मालिक नौकर बन गया। ये दुर्भाग्य घटित हुआ है मानव जन्म में, इस दुर्घटना को विदा कर देना, इस दुर्भाग्य को विदा करना, सौभाग्यशाली होके जीना, तुम जाग करके जीना, तुम मन के मालिक होके जीना, स्वस्थ हो जाओगी। अपनी सुरती को बढ़ावा देना, सुरती जैसी संपदा दुनिया में दूसरी नहीं है, अपनी सुरती को अधिक से अधिक कमाना, अधिक से अधिक बढ़ावा देना, अधिक से अधिक स्टोर करना, ये सुरती एकमात्र स्रोत है तेरी तमाम क्वालिटीज का, तेरी तमाम शक्तियों का। अपनी सुरती को बढ़ावा देना, जो जो उतर रहा उसी को देखना, जो जो घटित हो रहा है उसी को देखना, जो जो भी तेरे भीतर की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना, कहीं खो ना जाना। बार बार खो जाते हो तो बार बार वापस लौटना, तनिक मात्र भी निराश नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना, पुनः पुनः तुम वापस लौटना। मन के हाथों लुटे हैं जन्मों जन्मों से, हम तनिक मात्र भी इस बात की चिंता ना करें कि कैसे मन से हटा जाएगा, तुम स्वतः हटते चले आओगे, हट ही रहे हो, तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि मन की गति क्या है, मन का स्वभाव क्या है, मन क्या है, तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो, स्वयं देख रहे हो। देखना वाजिब है, देखना हम सबका धर्म है, देखना ही केवल मात्र अनुभव है, देखना हम सबका स्वभाव है। हम अपने स्वभाव में रहें, हम मन की गति को देखने वाले बने, मन स्वतः ही वापस लौट आता है, स्वतः तेरे अंतर्गत होता चला जाएगा, स्वतः वर्तमान के पलों में डूबता चला जाएगा, और जब तू चाहेगा तभी वो तेरे इशारे पर उतरेगा, वरना बिल्कुल तेरे मार्ग में नहीं आएगा, तेरे सामने तनिक मात्र कोई छल कपट नहीं कर पाएगा, कोई धोखा फरेब नहीं कर पाएगा। अब वो तेरे इशारे पर होगा, अगर तू स्वयं जागे तो तू भीतर का सम्राट हो जाएगा। Meditation is a real challenge to stress. Meditation is a real challenge to mind. Meditation makes you free from all identifications with the mind. It provides you freedom. As soon as your mind identity
with your self, real self is established. Sooner or later you will become free from the mind when you become serious. नमस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन नमस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। ए अर्जुन, हजारों में कोई एक, हजारों में कोई एक प्रभु को चाहता है, हजारों में कोई एक, कोई एक मेडिटेशन में उतरता है, हजारों हजारों के बाद। अरे ये तो रही महाभारत की बात, महाभारत काल की बात, आज के युग में लाखों लाखों में कोई एक मेडिटेशन की धारा में उतरता है। लाखों लाखों की भीड़ होगी बाहर के तमाम प्रचार में, किंतु जब माइंड के समक्ष बैठने का सवाल उठेगा तो वहां लाखों में कोई एक रह जाएगा। अरे मन के सामने तो सिकंदर ना 5 मिनट बैठ पाया, अगर वह 5 मिनट भी माइंड के सामने महर्षि ददामी की वाइब्रेशन और उसके ऑरा में, उसके सानिध्य में बैठ जाता तो कभी भी रास्ते में उसको मौत छू ना पाती, कभी मौत के हवाले ना होता। मन के समक्ष बैठना अर्जुन, शूरवीरों का, बहादुरों का काम है, बड़े वीरों का काम है, साहसी हिम्मती लोगों का काम है। हजारों हजारों और हजारों हजारों की दुनिया में भगवान कृष्ण को एक मिला, एक एक मिला अर्जुन। अरे सुना सुना के थक गए वह उद्धव को, उद्धव ने सुना ही नहीं, और उद्धव सुना सुना के थक गया गोपियों को, गोपों को, ग्वालों को, उन्होंने सुना ही नहीं। अरे उन्होंने जो सुन लिया पहले, फिर उन्हें सुनने की जरूरत नहीं, किंतु उद्धव अपनी तमाम विद्वता के अहंकार में डूबा हुआ जिसका गुरु भगवान कृष्ण है, अरे उसकी शिक्षाओं का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ सका, किंतु अर्जुन पी गया, अर्जुन उसकी शिक्षा को पी गया, रोम रोम में बिठा गया। अर्जुन एक मिला और एक को सुनाया स्पिरिचुअल संदेश, मैसेज। एक को क्या सुनाया कि आज सारी दुनिया सुन रही है। वहां भीड़ नहीं होती, जहां भीतर की बात होती है, जहां एकमात्र स्पिरिचुअल पब की बात होती है, पीने पिलाने की बात होती है, वहां तो अपने आप को जोखिम में डालना पड़ता है, अपने आप की तत्परता तैयारी होती है, वहां तो जंप लगाने पड़ता है। माइंड के आगे बैठने वाले शूरवीर बहादुर हजारों में कोई एक होता है, जिन्हें प्यास है, लगन है, उत्कंठा है, प्रेम है, जिन्हें कुछ थोड़ा सा झुकाव है उसकी झलक पाने के लिए, वही माइंड के सामने साहसी हिम्मती होके बैठता है, वही मेडिटेशन की जाम छलकाता है, वही अंतरात्मा की सुंदर यात्रा पर उतरता है, वही जीवन यात्रा पे कदम उठाता है, वही जीवन जो जगाने का जोखिम उठाता है, वो अपने आप को दांव पे जोहरी की तरह लगा करके, अपने आप को दांव पे लगा करके भी उस दयावान, उस करुणा निधि को पा लेता है। वो अपनी जिंदगी को कुर्बान करके भी, मौत को जीते जागते छाती से लगा करके भी, मौत को भी हर घड़ी हर पल अपने सामने देख करके वो अपने मालिक की ओर बढ़ता चला जाता है। ऐसा शूरवीर बहादुर आज की दुनिया में लाखों में कोई एक होता है। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई, रोती है सारी दुनिया और गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया गाता है कोई कोई, नमस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, नमस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई।
की रंग रलियों में जहान घूमता है, दुनिया की रंग रलियों में, इस मन की रंग रलियों में जहान घूमता है, इस मन की रंग रलियों में जहान घूमता है, पर प्रेम की गली में आता है कोई कोई, पर प्रेम की गली में आता है कोई कोई, पर प्रेम की गली में आता है कोई कोई, पर प्रेम की गली में आता है कोई कोई, दुनिया की रंग रलियों में। रंग रलियों में जहान घूमता है, इस मन की रंग रलियों में जहान घूमता है, पर प्रेम की गली में आता है कोई कोई, पर प्रेम की गली में आता है कोई कोई, गाती है सारी दुनिया और गाता है कोई कोई, गाती है सारी दुनिया सारी दुनिया और गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया और गाता है कोई कोई। एनर्जी ही एनर्जी है, मेडिटेशन में एनर्जी ही एनर्जी है, संगीत ही संगीत है, अनहदनाथ 24 घंटे गूंजता है। जलवे ही जलवे हैं, मस्तियां ही मस्तियां हैं, जलवे ही जलवे हैं इस महफिल में, मस्तियां ही मस्तियां हैं, सिर्फ एहसास की जरूरत है, एहसास की जरूरत है, थोड़ा कदम उठाने की जरूरत है कि वह मिला ही मिला। इश्क इंसान की जरूरत है, हकीकी इश्क इंसान की जरूरत है, तुम मानो ना मानो ये असलियत है, ये प्रेम इंसान की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत जरूरत है, हर इंसान प्रेम का भूखा है, सेवा नहीं चाहिए उसको प्रेम चाहिए, और प्रेम सहित सेवा दूसरे को खुशहाल कर देती है, आनंदित कर देती है, आबाद कर देती है, और अपने आप को भी आबाद कर देती है। रंग रलियों की गलियों में तो जहान घूमता है, रंग रलियों की गलियों में तो, रंग रलियों की गलियों में तो जहान घूमता है, पर प्रेम की गली में आता है कोई, पर प्रेम की गली में आता है कोई कोई, नमस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, नमस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, गाती है सारी दुनिया और गाता है कोई कोई, गाती है सारी दुनिया और गाता है कोई कोई, नमस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, नमस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। ओम गुरुवे नमः।
doing, Master. Lead me from darkness to light. I go before you, I surrender unto you. I am yours, I am yours, I am yours. मेडिटेटिव प्रेयर है यहाँ, सेल्फ कंडमनेशन नहीं है, सेल्फ एब्रिगेशन नहीं है, ये सच्चाई है कि हम मन के हाथों लुटे हैं, हम मन के हाथों बिके हैं, हम मन के हाथों दिन रात बर्बादी के दौर में उतरे हैं, हम सरे बाजार बिकते हैं, अनमोल श्वासों की पिटारी को हम सरे बाजार बेचते हैं, मन के हाथ लग करके हमने इसकी कीमत ना जानी। कितना सुंदर भक्तों ने, दीवानों ने कहा, प्रभु प्रेमियों ने कितना सुंदर पुकार उठाया, अपने हार्दिक भाव में अपने हृदय से उठाया। मौसम कौन को डील खल कामी, अपने मन की पिटारी में उतर करके हम सब देखें क्या ये तमाम अवगुण या नेगेटिविटीज हमके चारों ओर हमको दबोचे हुए है या नहीं। ये नेगेटिविटीज ऑफ माइंड जिसके पल्ले पड़ करके हमने पल पल गंवाया है, अपने जीवन का अनमोल पल गंवाए हैं, जरा अच्छी तरह एनालाइज कर लेना। ये सेल्फ कंडमनेशन नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है, ये एकमात्र अवेयरनेस है, ये अपने दर्पण में देखने का एकमात्र रसायन है, एकमात्र मन को देखने का, मन रूपे दर्पण में देखने का एकमात्र दिशा निर्देशन है। ये दिशा है जो इस ओर मुड़कर के एक बार भी देख लेता है, वो अपने मन को पॉजिटिव और पॉजिटिविटीज में उतरने की महान हिम्मत बटोर लेता है, वो कदम उठाता है इन तमाम नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए, जिसने जीवन को दबोच रखा है और जन्म गंवा रखा, ये अवसर चूक गया है, गर तो फिर हाथ लगने वाला बहुत मुश्किल है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो सोई बिसरायो, जिस तन दियो सोई बिसरायो, मैंने जिस तन दियो सोई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मैं तो ऐसो नमक हरामी,
मेरा कैसे उधार हो स्वामी। ओम गुरुवे नमः 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 नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। स्वरूप से प्रीत न की अपनी आत्मा से, प्रीत न की स्वयं स्वरूप से, प्रेम न किया अपने मालिक से, प्रीत न की स्वरूप से, फिर क्या किया कुछ भी नहीं। जान दिलवर को ना दी फिर क्या दिया कुछ भी नहीं। मुल्क गिरी में सिकंदर से हजारों मर मिटे, अपने पे कब्जा ना किया तो क्या किया कुछ भी नहीं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।